ये पेशेंट आपका भाई लगता है? नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। मुझे पता चला कि किसी को मेरे वाले रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो देने चला आया। आज दोनों बहनें चल के पिक्चर देखे आते, कितना टाइम हो गया ना। चल, आज मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। मैं और सुमी बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो मैं सोच रही थी उसके साथ थोड़ा सा बाहर हुआ हूं। तो मैं जाऊं माँ जी? मुझसे आज्ञा ले रही है? वैसे दोनों जादूगरनियां किस पे जादू उड़ाने जा रही हो? हमारे घर की बहू बेटियां यूं शहर में मटकती नहीं फिरती। आप चुप हो जाइए माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं चलती हूँ। हद कर दियो अम्मा जी, बिना मतलब भाभी को इतना कुछ सुना दिया। अरे, एक बार अपनी बहन के साथ घूमने चली जाती तो आपका क्या बिगड़ जाता? हाँ तो चली जाती ना, मैंने कोई महारानी के पैरों में बेड़ियां तो नहीं डाली। आखिर ये करेगी वही जो इसे पसंद हो, या फिर अपने भतार को भड़काएगी मेरे खिलाफ, उसके कान भरेगी। अरे इस घर में जिसकी जो मर्जी आए करे, बस मुझसे आज्ञा लेने का नाटक ना करे। जी जलता है मेरा, आग लगती है आग। सूर्य कमल जी, आप सूर्य कमल जी हैं? जी आप? मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने ऐन वक्त पर आकर मेरे बेटे को अपना खून देकर उसकी जिंदगी बचाई। मैं तो आपका कर्जदार हो गया हूं। नहीं नहीं, आपने जो किया है वो अनमोल है, लेकिन फिर भी आप, अरे प्लीज ये रख लीजिए। नहीं, सुनिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसके लिए नहीं किया, प्लीज। ये उसकी कीमत नहीं है, ये तो एक छोटी सी भेंट है, आप प्लीज ना मत कीजिए। कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपने मेरे बेटे के लिए झुक किया है। उसने देखिए, हम सबके बीच में एक रिश्ता है इंसानियत का, और जो मैंने दिया वो तो भगवान का दिया हुआ एक अंश ही है ना। तो राधे राधे। क्या आदमी कलयुग में भी
सत्यों की बातें कर रहा है। कहीं भी इतनी सी चिकनाई या कालिक नजर आई तो सारे के सारे बर्तन फिर से मंजवाऊंगी तुझसे, समझी? अगर पूछना ही था तो अपना ये मोहिनी रूप धारण करने से पहले ही पूछती ना। और जब तुम दोनों बहनों ने ठान लिया है कि सारे वृंदावन में मटकती फिरोगी तो मुझसे क्यों पूछ रही है? वैसे जा कहां रही हो तुम दोनों? दोनों जादूगरनियां किस पे जादू ढाने जा रही हो? शंभू, गाड़ी हमारे पीहर सीकानगर ले लेना। जी, आप मुझे पहले से बता नहीं सकते थे कि यहाँ सुमी आने वाली है? अगर मुझे पता होता तो कम से कम मैं कितना दुखी हुआ होगा उसका दिल। आप एक फोन नहीं कर सकते थे? वो प्रीति जी, मैं फोन करने ही वाला था, लेकिन तभी एक आदमी को खून की जरूरत पड़ गई जी, और खून भी बहुत रेयर ब्लड ग्रुप वाला जी, एबी नेगेटिव। वो तो अच्छा हुआ मेरा ब्लड ग्रुप भी एबी नेगेटिव है, इसीलिए खून देने अस्पताल चला गया था जी। आप खून देने चले गए थे? किसे? जी, नाम तो नहीं पता उसका, था कोई जरूरतमंद। लेकिन प्रीति जी, सॉरी, वो मैं आपको फोन नहीं कर पाया, गलती हो गई मुझसे, मैं आपको सुमी जी के बारे में नहीं बता पाया, सॉरी जी। लेकिन पता है प्रीति जी, आज के वाक्य के बाद साल में एक बार तो हो सकेगा तो अपने जन्मदिन वाले दिन रक्तदान जरूर करूंगा जी। देखिए ना, कभी आज तक सोचा ही नहीं, पहले अगर दिमाग में आ जाता तो कितनों का भला हो जाता है ना, लेकिन अब जरूर करूंगा। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों जी, आपने प्रीति के साथ ऐसा क्यों किया? बताइए मुझे, आपने क्यों किया ऐसा?
सुमित तुम, मुझे लगा तुम प्रीति के घर से सीधे अपने घर जाओगी। सोचा तो मैंने भी यही था भाभी, लेकिन क्या हुआ? बात क्या है सुमित? ताई जी, आपने प्रीति के साथ ऐसा क्यों किया? बताइए मुझे, आपने क्यों किया ऐसा? मैंने? शांति से बता बेटा, बात क्या है? आपको पता है मैं अभी उसके घर से होके आ रही हूँ। वहां पे उसकी सास उससे कैसा बर्ताव कर रही थी। इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अगर आपने उसका ब्याह वहां नहीं कराया होता तो उसे ये सब मुश्किलें नहीं देखनी पड़ती, और ना ही ये सारा अपमान। ताजी, जिस घर में मैं 2 मिनट नहीं रुक पाई, वहां हमारी प्रीति कैसे जिंदगी भर रहेगी? वो घर नहीं है ताई जी, वो नर्क है। माँ जी, जो ये बता रही है उससे तो पहले बेटा इसे पानी तो पिला, देखो कितनी थकी हुई लग रही है। जी, बैठ सुमी, आ मेरे पास बैठ। सुमी बेटा, मैंने तेरी सारी बातें ध्यान से सुनी, अब मुझे एक बात बता। प्रीति से वो सारे काम क्या सूर्य कमल जी करवा रहे थे? ताई जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसी से तो सारा फर्क पड़ जाता है सुमी। देखो सुमी, गुलाब के साथ कांटे होते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता गुलाब के खुशबू के साथ होता है ना। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने पति का साथ। मैं मानती हूं कि प्रीति अभी तक अपनी सास का स्नेह नहीं जीत पाई है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सूर्य कमल जी के दिल में प्रीति के लिए बहुत प्यार है। पति के प्रेम की धनी पत्नी घर गृहस्थी का बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़े आसानी से सह सकती है, और सूर्य कमल जी जैसा बेटा होते हुए हमें प्रीति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है अगर उस समय सूर्य कमल जी वहां पे होते तो वो इतना सारा काम प्रीति को अकेले नहीं करने देते, वो खुद उसका हाथ बटाते। लेकिन ताई जी, घर का इतना सारा काम और इस तरह नीचे बैठकर के राख से बर्तन मांजना। अच्छा, तो बात राख से बर्तन मांजने की है, तो ठीक है, वो उनके घर का तरीका है। हमारे घर में बर्तन पाउडर से मांजे जाते हैं, उनके घर में राख से। इंसान जहां रहे वहां के तौर तरीके अपना ले, यही अच्छी बात है ना। तो प्रीति की चिंता बिल्कुल मत कर सुमी, सूर्य कमल जी जैसा पति पाकर प्रीति के भाग खुल गए हैं, है ना? मेरे भी भाग खुल गए ना, ऋषि जैसा पति पाकर। डैड, आपको उस बैंक मैनेजर से इतने गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आई नो, गलती हो गई मुझसे। डैड, आप ही तो कहते थे ना कि जरूरत आने पे गधे को भी बाप बनाना चाहिए। अब उस समय मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? Now what's done is done. Now what? बस डैड, वो बैंक मैनेजर किसी भी तरह शीशे में उतर जाए और हमारा लोन पास कर दे। We need the loan at any cost. हाँ। But I have an idea. कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है ना? हुँ।
देखो सुमी, गुलाब के साथ कांटे होते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता गुलाब के खुशबू के साथ होता है ना। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने पति का साथ, पति के प्रेम की धनी पत्नी। घर गृहस्थी का बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़े आसानी से सह सकती है। मेरे बारे में सोच रही हो जान? तो बताओ आज कैसे रहा? मम्मी जी के यहाँ, प्रीति के यहाँ? ठीक ही था। लगता है कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम अभी तक परेशान हो। मैंने डैड से बात की है और वो बहुत शर्मिंदा है। उन्होंने माफी भी मांगी। In fact, you know what? मॉम और डैड के बीच सुलह हो चुकी है। सीरियसली, बल्कि डैड मॉम के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी थ्रो कर रहे हैं। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है ना? Really? कल बहुत सारे मेहमान आएंगे और तब सभी देखेंगे कि डैड मॉम से कितना प्यार करते हैं। और एक सीक्रेट बताओ, कल डैड मॉम को एक डायमंड सेट देने वाले हैं। हाँ? आस्ते, दीवालों के भी कान होते हैं, किसी को बताना मत। नहीं नहीं, सीक्रेट है ना? वाओ, कितनी प्यारी बात है ना। वैसे पता है, किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा दान यही होता है कि उसका पति उसके साथ है, जिसके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी किसी भी मुश्किल से लड़ सकती है। जान, अब ये प्यार मोहब्बत की बातों के बीच ये मुश्किल की बात कहाँ से आ गई, बताओ मुझे। वैसे अगले साल से तो हमारी भी एनिवर्सरी शुरू हो जाएगी, तुम अभी से ही सोच लो कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। और सूर्य कमल जी को मैं तुम्हारी तरफ से फोन कर दूंगी। पक्का? आप बता देंगी प्रीति को? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। कोई जरूरत नहीं है प्रीति और सूर्य कमल को पार्टी में बुलाने की। क्या बात है प्रीति भाभी, आज तो सुबह सुबह भी पीछा नहीं छोड़े जेठ जी। दाल भात में मैं क्यों मसूर दाल बनाऊं? मैं चलती हूँ, बाय। अरे क्या हुआ? बेलन चाहिए था मुझे। बेलन किस लिए? इसके लिए। हाँ ये मैं ले लेता हूँ।
इस खुशी में? तुम्हारे सास ससुर की शादी का जन्मदिन है क्या? अरे मम्मा, जन्मदिन नहीं, मैरिज एनिवर्सरी है और आप सब लोगों को आना है पार्टी में, ठीक है? सबको आना है? इसका मतलब बहुत बड़ी पार्टी है क्या? माँ, पार्टी तो बहुत बड़ी है सच में। पार्टी बड़ी है तो पार्टी में लोग भी बहुत बड़े बड़े आएंगे ना, क्योंकि रायचंद जी खुद ही इतने बड़े इंसान हैं, तो उनके पहचान वाले भी तो बड़े बड़े ही लोग होंगे ना। हाँ माँ, काफी बड़े लोग आने वाले हैं, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़े मेरे अपने हैं, पापा, ताऊ जी, ताई जी, प्रीति। सुमी, घर में पार्टी है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में काम भी तो बहुत बढ़ गए होंगे ना। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारी मदद करने वहाँ आ जाती हूँ। अरे माँ, यहाँ बहुत से नौकर हैं, यहाँ तो सारा काम वही संभालते हैं। पर नौकरों पर नजर रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अरे माँ, उनके लिए भी सुपरवाइजर्स हैं। अब आप यहाँ की बात छोड़िए, आप बस पार्टी में ठीक टाइम से पहुँच जाइएगा। हाँ, मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे लोगों को फोन करना है और प्रीति को भी फोन करना है, ठीक है? सुमी सुन, प्रीति और सूर्या कमल जी को मैं तुम्हारी तरफ से फोन कर दूंगी, तुम्हें वहाँ बहुत सारे काम होंगे ना। ठीक है, पक्का? आप बता देंगी प्रीति को? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? चलिए ठीक है। हाय, प्रीति को फोन करना है। इतनी बड़ी पार्टी होगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके बीच वो सूर्य कमल, मखमल के ऊपर टाट का पैबंद लगेगा ये नमूना। नहीं नहीं, मेरी सुमी का तो मजाक बन जाएगा ससुराल में। कोई जरूरत नहीं है प्रीति और सूर्य कमल को पार्टी में बुलाने की। जब वो दो टके का मैनेजर यहाँ आएगा और देखेगा कि हमारे कॉन्टैक्ट्स कितने ऊंचे हैं, हमारी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, तब वो खुद मजबूर हो जाएगा और हमारा लोन सैंक्शन कर लेगा, और तब हमारा 1 करोड़ का लोन यू सैंक्शन हो जाएगा।